न्यूज सच का पहरेदार। आज विकास नगर की छरबा ग्राम पंचायत स्थित भद्रास गोधाम गौशाला ट्रस्ट के लिए गौशाला निर्माण का शिलान्यास विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने गौशाला की घेराबंदी के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने भविष्य में शेड निर्माण के लिए भी धनराशि मुहैया कराने की बात कही। विधायक ने आगे कहा कि सिटकुल के CSR फंड से भी गौशाला के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद ली जाएगी। गौशाला के संचालन पर उन्होंने गौ सेवक और पूर्व प्रधान रूमीराम जसवाल की खुले मंच से प्रशंसा की और कहा कि यह रूमीराम जसवाल का 13 वर्षों की तपस्या है। उन्होंने लोगों को गौ सेवा की दिशा में रास्ता दिखाया है। बता दें कि रूमीराम अब तक 163 परिवारों को निशुल्क दुधारू गौवंश दे चुके हैं। उनका लक्ष्य है 2000 गौवंश का संरक्षण कर और संवर्धन करना है। इस पुण्य काम में मुस्लिम लोगों की भी सहभागिता सराहनीय है, जिन्होंने इस कार्य में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है। गौशाला निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर ग्राम सभा का आभार जताया। प्रधान अमीर खान और मुन्ना खान से गौशाला के लिए समर सेवा लगाने की भी घोषणा की। समाज सेवी फकीर अंसारी ने गौशाला के विकास के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं, जिस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आभार जताया है। चाहे 13 करोड़ का शीतला नदी का पुल हो, चाहे 43 करोड़ का यमुना नदी का पुल हो, चाहे 65 करोड़ की पेरियाबंद की वाटर सप्लाई स्कीम हो, चाहे 80 करोड़ की सड़कें हो या 125-30 करोड़ की वाटर एक लाख 30 हज़ार करोड़ की वाटर सप्लाई स्कीम हो, लेकिन ये सब चीज़ें गौण हैं, छोटी है इसके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज ये कार्यक्रम। विकास नगर से गजनफर अली, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।